शहर क्या बुलाता है हमको? भूल तो नहीं गया हमें? गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल OTT टॉक। दोस्तों वापस आ चुके हैं कि नए वीडियो में। वीडियो में बात करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में। जी दोस्तों, इसके ट्रेलर और रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अमेजोन प्राइम की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो ही चुकी है। आप सबको अब तो पता चल ही चुका होगा, क्योंकि अमेजोन प्राइम ने रात को ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी और अपनी सभी मूवीज़ और सीरीज़ जो आने वाली थी उनकी भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो कब तक आने वाली हैं। तो काफ़ी लोगों को ये इंतजार था कि मिर्जापुर को कब दिखाएंगे, तो फाइनली दिखा ही दिया गया। लेकिन जो सीन दिखाया गया उससे रिलीज डेट सेट नहीं की है, तो मैं बताऊंगा आपको इसकी रिलीज डेट, इसके टीजर या ट्रेलर की रिलीज डेट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो मेरे चैनल को देखते रहना। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जहां सबसे पहले बात करें तो मिर्जापुर सीजन 3 में वही स्टार कास्ट तो होगी ही होगी, जैसे कि अली फजर और दूसरे अपने पंकज त्रिपाठी, लेकिन उनके अलावा भी काफ़ी बड़ी बड़ी कास्ट है जो अभी तक हाल फिलहाल में रिवील नहीं की गई है। और जो शॉर्ट्स हमें दिखाए गए हैं इसके अनाउंसमेंट वीडियो में मिर्ज़ापुर सीजन 3 के, वो भी काफ़ी ग्रैंड लेवल के हैं। जी दोस्तों, आप सब देख ही सकते हैं जब पंकज त्रिपाठी इस सीन में खड़े हैं तो दोस्तों वो कितने हाई क्लास लग ही रहा है सीन। तो आपको पता है कि ये सीरीज़ कितनी डिले हुई है, इसी वजह से हुई है क्योंकि इस सीरीज़ को काफ़ी बड़े लेवल पर बनाएंगे इसके मेकर्स। इसे अच्छा बनाने में और ग्रैंड लेवल पर बनाने के लिए जो वक्त लिया है उन्होंने, तो उसका हमें इस सीन में दिखाई दे ही रहा है कि वो वक्त हमें दिखाई दे रहा है कि वो वाकई लगा है। तो इसके लंबा और डिले करने की यही वजह थी कि इस पर काफ़ी ज़्यादा वक्त और मेहनत लगी ही है दोस्तों सीरीज़ पर। तो फाइनली इसके अनाउंसमेंट में हमें अली फजल और अपने पंकज त्रिपाठी की फर्स्ट लुक दिखाई दी गई है, लेकिन जो बुरी खबर है कि वो हमें रिलीज डेट सेट नहीं की गई है। तो यही आप मान कर चल सकते हैं कि अभी इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इसका आपको फर्स्ट ऑफिशियल टीज़र देखने को मिल जाएगा और उसके 2 या 3 हफ्ते बाद ही आपको ये मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का फाइनल प्रोडक्शन हमें देखने को मिल ही जाएगा। तो अगर आप यही मानकर चलें कि आपको इसका सीज़न 3 मई के फर्स्ट वीक या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगा, हो सकता है कि इसको वो थोड़ा और डिले करें, क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर्स तो लाना ही चाहते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से वो इस सीरीज़ को शायद और डिले करेंगे और आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी मई के फर्स्ट वीक में या फिर मई के सेकेंड वीक में भी जा सकती है, कोई पता नहीं। जो भी अमेजोन वाले चाहें वो अब तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा हमें इशारा दे दिया है, तो फैंस तो इंतज़ार करेंगे ही करेंगे ये जब भी रिलीज़ किया जाए। और आपने उसकी अनाउंसमेंट वीडियो को देखा है, अगर नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को ख़त्म करने वाला हूं, लेकिन आप बताएं कि आपने मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 और सीज़न 2 देखा है कि नहीं, और मिर्ज़ापुर के सीज़न 3 का आपको कितना ज़्यादा इंतज़ार है। और तो दोस्तों एक और भी खबर है कि इसके अलावा अमेजोन प्राइम ने और भी अपनी काफ़ी सारी मूवीज़ और सीरीज़ को कवर किया है और काफ़ी सारी मूवीज़ को उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट वीडियो में बताया है। तो अगर आप उन सब मूवीज़ के नाम और लिस्ट जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। यहीं तक था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो चैनल को देखते रहना। अलविदा, इट्स गुड बाय फ्रॉम OTT टॉक।